मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, ये इलस्ट्रेटर का एक बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है, मेरा फेवरेट भी है, और इस ब्यूटीफुल से इफ़ेक्ट को बनाने के लिए हम इसी ऑप्शन को यूज़ करने वाले हैं। ये है हमारी फाइल का सेटअप, जो कलर्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये है हमारा टेक्स्ट का पार्ट, ये है एक शेप, और इस हार्ट के शेप को हम नाइफ टूल की हेल्प से कट करेंगे। आप अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं, तो मैं फ्रीली इसे कट करने वाला हूँ कुछ इस तरह से, और ये हमने फोर पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया। इस शेप को अनग्रुप कर देते हैं, अनग्रुप करने के बाद हमारे सारे पार्ट सेपरेट हो जाएंगे। अब एक टेक्स्ट और एक शेप के पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसमें इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे, एनवलप डिस्टॉर्ट, मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, तो हमारा टेक्स्ट शेप के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और ये प्रोसेस रिपीट करेंगे विथ और लव के साथ। यहाँ पे एक बात का ध्यान हमें रखना होगा, जो कंटेंट है उसे हम पहले ड्रॉ करेंगे लाइक टेक्स्ट, और जो कंटेनर है उसे हम बाद में ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमारे ये हार्ट का शेप। प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, जिससे ये सारे टेक्स्ट का पार्ट हमें वापस सेपरेट फॉर्म में मिल जाएगा। थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा देते हैं ताकि जो इफ़ेक्ट नेक्स्ट हम अप्लाई करें वो क्लियरली विजिबल हों, कुछ इस तरह से। नाउ वापस इसको सेलेक्ट करके हम इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पूरे ग्रुप की एक कॉपी बना लेंगे और इसमें ये कलर हम अप्लाई कर देंगे। इस दूसरे ग्रुप को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, और छोटा करने के बाद दोनों ग्रुप्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इसमें इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे ब्लेंड मेक। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंड की वैल्यू सिर्फ 1 होती है, जिसे हम चेंज करके कन्वर्ट कर देंगे 100 एंड ओके। इसके बाद इस ब्लेंड ग्रुप के अंदर जाते हैं, आइसोलेट सेलेक्टेड ग्रुप, और यहाँ पे दोनों ग्रुप को एक साथ सेलेक्ट करके इन्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन कर देंगे ताकि दोनों सेंटर पे अलाइन हो जाए। येलो ग्रुप को सेलेक्ट करके इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, और इस ग्रुप में हम अप्लाई कर देंगे ये वाले कलर को, और वापस इसे सेट कर देते हैं हम येलो ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिससे ये कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट हमें दिखाई देगा। इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे हम आउटलाइन भी ऐड करते हैं, जिसके लिए हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे और उसमें स्ट्रोक ऐड कर देंगे और वापस इसे उसी पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे। स्ट्रोक की थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं और स्ट्रोक का अलाइनमेंट भी हम इनसाइड सेट कर देते हैं। इसे वापस पोजीशन कर देते हैं और इससे हमारा ये इफेक्ट हमें मिल जाएगा। सिर्फ ब्लेंड और एनवलप डिस्टॉर्ट को यूज करके आप इस क्रिएटिव इफेक्ट को बना सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सीखते रहिए।